सवाल हर किसी के सहन में कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। जानकार सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी मुस्लिम चेहरे पर दाव खेला जा सकता है। आपको याद होगा एक लंबे वक्त तक मुस्लिम चेहरे के तौर पर राज्यसभा का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति करते आए हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के नाम की चर्चा है। चूंकि नकवी को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया, ऐसे में अब उनका नाम और पुरजोर तरीके से उपराष्ट्रपति की दौड़ में चल रहा है। वहीं केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद का नाम भी चर्चाओं में है। वहीं कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत का नाम भी चर्चा में है। इसको इस तरीके से भी जोड़कर देखा जा रहा है, दरअसल थावरचंद गहलोत ने पिछले सप्ताह ही प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। और अगर इतिहास को उठाकर देखें तो ऐसा लगता है कि मोदी से मुलाकात के बाद थावरचंद गहलोत कभी खाली हाथ वापस लौटे नहीं है। मोदी से जब भी उन्होंने मुलाकात की है कुछ ना कुछ उनको जरूर मिला है। तो क्या इस बार उपराष्ट्रपति का पद उनको मिला है? हालांकि कई नाम इस जोड़ में हैं जिनमें मुख्तार अब्बास नकवी का नाम है, आरिफ मोहम्मद का नाम है और तीसरा नाम थावरचंद गहलोत का है। वहीं जिस तरीके से राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं और उनमें से दो मंत्री अभी जो मोदी कैबिनेट में हैं, उनको मैदान में नहीं उतारा गया और इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या दो मंत्रियों को मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ सकता है। दरअसल 15 राज्यों के 57 राज्यसभा सांसद अगले 3 महीने में रिटायर हो जाएंगे, यानी कि उनके 6 साल का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। अब अगर उनको मंत्री बने रहना है तो किसी और जगह से राज्यसभा चुनकर आना पड़ेगा। राज्यसभा की इन्हीं 57 सीटों पर 10 जून को चुनाव होना है। रिटायर होने वाले इन सांसदों में 4 अभी मोदी सरकार में मंत्री हैं। ये 4 कौन कौन है? पहला नाम पीयूष गोयल का, जिन्हें जाहिर है दोबारा से उतारा जा रहा है। दूसरा नाम है निर्मला सीतारमण, उनको भी दोबारा उतारा जा रहा है राज्यसभा की टिकट पर और बीजेपी के सिंबल के साथ। लेकिन जब बात आती है मुख्तार अब्बास नकवी की तो उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा जा रहा और इसलिए उनका नाम उपराष्ट्रपति की दौड़ में भी चल रहा है। लेकिन इससे इतर एक और नाम है और वो नाम है आरसीपी सिंह का, जिनको बिहार से राज्यसभा भेजा गया लेकिन इस बार उनको नहीं भेजा जा रहा है। बीजेपी ने पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण को एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया। दूसरी तरफ मुख्तार अब्बास नकवी को उपराष्ट्रपति बनाने की भी चर्चाएं चल रही हैं। वहीं जेडीयू कोटे से मंत्री आरपी सिंह को राज्यसभा भेजने का फैसला जेडीयू की तरफ से नहीं लिया गया। ऐसे में दोनों नेता अगर 6 महीने के अंदर नहीं बने लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य तो दोनों को देना पड़ सकता है केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा। हार्दिक पटेल कांग्रेस से अलग हो चुके हैं, इस्तीफा दे चुके हैं और उसी दिन से सवाल उठ रहा है कि वो बीजेपी में शामिल होंगे लेकिन कब होंगे। अभी तारीख का ऐलान हो गया है, 2 जून को अहमदाबाद में बीजेपी का दामन थामेंगे हार्दिक पटेल, यानी कि बीजेपी के लिए हार्दिक होंगे। अहमदाबाद के बीजेपी कार्यालय कमलम में ये कार्यक्रम होगा जिसमें बकायदा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौजूद रहेंगे, प्रदेशाध्यक्ष सीआर पाटिल बीजेपी की सदस्यता उनको दिलाएंगे और 2-4 हजार नहीं बल्कि 15 हजार कार्यकर्ताओं के मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल होंगे। हार्दिक ने 18 मई को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था और चिंतन से पहले ही झटका दिया था। चिंतन के बाद बकायदा इस्तीफा जारी करते हुए आलाकमान को टारगेट किया था और कहा था कि वो गुजरात को लेकर गंभीर नहीं, वो बात सुनते नहीं है, वो मोबाइल में बिजी रहते हैं और जो गुजरात के नेता है वो बस इसी में बिजी रहते हैं कि आलाकमान को कौन सा सैंडविच, कौन सा चिकन सैंडविच उनको खिलाया जाए। इसके बाद से मोदी के सपोर्ट में हार्दिक पटेल लगातार बयान देते रहे, बीजेपी की विचारधारा को वो सपोर्ट करने लगे और अब खुलकर वो कमल के निशान के साथ आ जाएंगे। 2 जून को वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। वहीं इससे इतर मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं और लगातार मंत्री और बीजेपी के नेता अलग अलग आर्टिकल दे रहे हैं जिनके जरिए बता रहे हैं कि 8 सालों में क्या किया है। इसी कड़ी में हिंदुस्तान टाइम्स में नरेंद्र सिंह तोमर का लेख आया
जिसमें लिखा है कि पिछले 8 सालों में किसानों के हित में सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि का विकास हुआ है। किसानों के कल्याण के लिए सरकार की कई कार्यक्रम चले हैं। कृषि क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना सरकार का लक्ष्य है। केंद्रीय कृषि और कृषक कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। उदयपुर के अंदर राष्ट्रव्यापी कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ। अब राज्य स्तर पर चिंतन शिविर होंगे। शिरडी में 1 और 2 जून को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस का चिंतन शिविर होगा। नव संकल्प शिविर के उदयपुर घोषणा पत्र पर विचार किया जाएगा। चिंतन शिविर में शामिल होंगे महाराष्ट्र के सभी बड़े कांग्रेस के नेता। महाराष्ट्र में कांग्रेस को मजबूत करने के मुद्दे पर भी बातचीत होगी और इस मुद्दे पर भी बातचीत होगी कि आगामी लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस महाराष्ट्र में किस तरीके से खुद को मजबूत कर सकती है। उदयपुर से जो डिक्लेरेशन पूरे देश भर के अंदर आया है, वहां किस तरीके से कांग्रेस उस डिक्लेरेशन को अपने राज्य में एग्जीक्यूट कर सकती है और उसके जरिए कैसे कांग्रेस को मजबूत कर सकती है। और अब बात करते हैं एक ऐसी दिलचस्प बातचीत की जिसमें हंसी है, तंज है और बहुत कुछ है। दरअसल ममता बनर्जी और एक नगर पालिका अध्यक्ष के बीच की बातचीत है। पुरुलिया जिले की एक प्रशासनिक बैठक में ये मनोरंजक बातचीत हुई। झालदा नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल से ममता बनर्जी ने कहा, आपकी तोंद बहुत बढ़ गई है, किसी दिन ब्लॉकेज हो सकता है। अग्रवाल ने दावा किया कि उन्हें डायबिटीज या ब्लड प्रेशर नहीं। ममता बनर्जी ने पूछा, फिर आपके मध्य प्रदेश का इतना विस्तार क्यों हो रहा है। अग्रवाल ने कहा, रोज सुबह पकोड़े खाने से कम नहीं होता वजन। अग्रवाल ने फिर रोज 90 मिनट व्यायाम और प्राणायाम का दावा कर दिया। अग्रवाल ने एक या दो भी नहीं, 1000 बार प्राणायाम करने का दावा कर दिया। ममता ने कहा, अगर आप अभी मंच पर प्राणायाम करेंगे तो मैं 10,000 रुपए दूंगी। ममता बनर्जी की बात सुनते ही वहां जितने भी लोग थे उनमें हंसी का फवारा छूट पड़ा। मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल के जरिए इस बातचीत का प्रसारण किया जा रहा था। और अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में महिलाओं के हाथ में होगा इलेक्ट्रिक बसों का स्टीयरिंग। बुराड़े स्थित ड्राइवर प्रशिक्षण संस्थान में 38 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। जैसे ही प्रशिक्षण पूरा होगा अब हैवी लाइसेंस और बैज बनाने का काम इसके बाद शुरू हो जाएगा, जो अभी तक बाकी है। मानकर चलिए इस काम में भी लगभग 2 महीने लग जाएंगे, लेकिन उसके बाद महिलाएं आपको बस चलाती नजर आएंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाती नजर आएंगी। दरअसल ये ऑटोमेटेड इलेक्ट्रिक बसें हैं जिन्हें महिलाओं को दिल्ली सरकार सुपुर्द कर रही है। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की ये ज्यादातर महिलाएं हैं जो दिल्ली की सड़कों पर फुली ऑटोमेटेड इलेक्ट्रिक बसों को चलाती हुई नजर आएंगी। काशी और मथुरा के मामले में पहली बार बीजेपी का बयान आया है, क्योंकि वो नारा तो लगाते हैं कि अयोध्या नहीं अब बारी काशी और मथुरा की है। बयान आया और कहा गया कि संविधान और अदालत के माध्यम से इन विवादों को सुलझाया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहली बार इस मुद्दे पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमेशा देश के सांस्कृतिक विकास के पक्ष में बीजेपी रही है, लेकिन काशी मथुरा इन विवादों को संविधान और अदालत से हल किया जाएगा। अदालत के आदेश का बीजेपी सम्मान करेगी। लेकिन इस बयान के साथ यह भी साफ हो गया कि बीजेपी अभी काशी और मथुरा की लड़ाई को और अदालत में लेकर जाएगी। ज्ञानव्यापी का मामला अदालत में चल रहा है, इसी तरीके से मथुरा की मस्जिद का मामला भी अदालत में पहुंचा है और बीजेपी कह रही है कि अदालती कानूनों के साथ ही इन मसलों को हल किया जाएगा। तो बात ज्ञानव्यापी की करते हैं। दरअसल ज्ञानव्यापी मामले में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की अपील है। वाराणसी जिला अदालत से मुकदमा खारिज करने की अपील की गई है। मस्जिद की बाहरी दीवार पर स्थित मां श्रृंगार गौरी को लेकर विवाद है। याचिका में मांगी गई है मां श्रृंगार गौरी की पूजा की अनुमति। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के मुताबिक ये व्यक्तिगत याचिका है। ये याचिका सभी हिंदुओं और हिंदू समुदाय की तरफ से नहीं है, इसलिए अदालत को खारिज कर देनी चाहिए याचिका।
ज्ञान व्यापी मस्जिद की प्रबंधक कमेटी है अंजुमन इंतजामिया मसाजिद। काशी मथुरा विवाह से दूर रहना चाहते हैं बीजेपी और आरएसएस, सिर्फ इतना कह रहे कि सच्चाई सामने आनी चाहिए, किसी को भी अदालत में जाने से रोका नहीं जा सकता। विवाद में सीधा हस्तक्षेप करने से बच रहे हैं बीजेपी और आरएसएस। आरएसएस के मुताबिक अयोध्या विवाद से ज्यादा पुराना है काशी का विवाद। काशी विश्वनाथ को लेकर आरएसएस ने 1959 में प्रस्ताव पारित किया था, जबकि 1987 में आरएसएस ने अयोध्या को लेकर प्रस्ताव पारित किया। पहले से आरएसएस के एजेंडे में है अयोध्या, काशी और मथुरा के मामले। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर असंतोष है। कांग्रेस ने 10 सीटों पर घोषित किए राज्यसभा उम्मीदवार, इसके बाद पार्टी में असंतोष शुरू हो गया। कई नेता पूछ रहे हैं सवाल। उदयपुर चिंतन शिविर में व्यक्त की गई भावनाएं कहां चली गई? एक परिवार के एक सदस्य को पद अधिकार देने की थी बात, लेकिन पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम लोकसभा सांसद हैं। प्रमोद तिवारी की बेटी आराधना मिश्रा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस विधायक है। कहां गया एक परिवार से एक व्यक्ति को टिकट देने का नियम? जुलाई में राज्यसभा से रिटायर होने वाले हैं आरपीसी सिंह। आरपीसी सिंह को छोड़ना पड़ सकता है केंद्र में मंत्री पद। दरअसल जदयू में तेजी से तरक्की करते हुए बने थे पार्टी में नंबर दो। जदयू में नीतीश कुमार के बाद दूसरे नंबर पर थे आरपीसी सिंह। रविवार को बिहार से जदयू और बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी घोषित हुए। लगातार दो बार जदयू के राज्यसभा सांसद आरपीसी सिंह रहे हैं। अब राजनीति में अकेले पड़ते दिख रहे हैं आरसीपी सिंह, क्योंकि इस बार उनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया और इसकी वजह से हो यह भी सकता है कि अगर वो अगले 6 महीने में लोकसभा या राज्यसभा से संसद नहीं पहुंचते तो उन्हें मंत्री पद से मोदी कैबिनेट से भी इस्तीफा देना पड़ सकता है, क्योंकि आरसीपी सिंह को मैदान में नहीं उतारा गया। दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के चीतों को मध्य प्रदेश में बसाने की तैयारी। श्योपुर जिले के कुनो पालनपुर में बसाए जाएंगे चीते। अप्रैल में नामीबिया दक्षिण अफ्रीका गए थे पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारी। चीतों को दक्षिण अफ्रीका नामीबिया से लाने की करार पर दस्तखत किए गए। इस वर्ष के अंत तक 20 चीते भारत पहुंचने की पूरी संभावना है। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को लाया जाएगा और नामीबिया से 8 चीते भारत आ सकते हैं। फोर्ड्स का सानद प्लांट अधिग्रहित करेगी टाटा मोटर्स। गुजरात सरकार के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर दस्तखत किए गए हैं, हस्ताक्षर किए गए हैं। फोर्ड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का पूरी संपत्ति टाटा को सौंपने का फैसला है। टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट हुआ है। टाटा मोटर्स की सहायक कंपनी टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड है। टाटा मोटर्स के लिए काम करेंगे फोर्ड्स के कर्मचारी। दरअसल फोर्ड्स ने अपने व्यापार को समेटा है और अब उस पर टाटा की जवाबदेही बढ़ जाएगी, या कहीं कि टाटा उसका अधिग्रहण कर रहा है, न सिर्फ फोर्ड का बल्कि उसके कर्मचारियों का भी, जो अब टाटा मोटर की सहायक कंपनी है टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड उसके अंडर काम करेगी। 1 जून से पर्यटकों के लिए खोल दी जाएगी फूलों की घाटी। एक माह से तैयारियों में जुटा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। इन दोनों घाटी में खिले हैं 12 से ज्यादा प्रजातियों के फूल। चमोली जिले में समुद्र तल से 12,995 फीट की ऊंचाई पर 87.5 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है फूलों की घाटी। सीजन में यहां खिलते हैं 500 से ज्यादा प्रजातियों के फूल। पर्यटकों को फूलों के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराएगा यहां का प्रशासन। रोड शो के दौरान एक पेंटिंग देखकर मोदी ने रुकवाई कार। एक लड़की ने बनाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की पेंटिंग। अपनी मां हीराबेन की पेंटिंग देखकर कार से उतर गए मोदी।
लड़की से बातचीत की, उसके सिर पर हाथ रखा। मोदी ने पेंटिंग को भेंट के रूप में स्वीकार कर लिया। सरकार के 8 साल पूरे होने पर शिमला पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी। पंजाब के प्रसिद्ध गायक सिद्धू मूसेवाला पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। मां ने सहरा पहना किया विदा और फूट फूट कर रोए पिता। मूसेवाला की अंतिम यात्रा के लिए फूलों से सजाया गया था उनके पसंदीदा ट्रैक्टर को। पंजाब के प्रसिद्ध गायक की 29 मई को हत्या कर दी गई थी। आज दोपहर उनके पैतृक गांव मूसा में किया गया अंतिम संस्कार। इस दौरान हजारों की संख्या में प्रशंसकों ने नम आंखों से विदा ली।